ऊना में दो नवजात बच्चों की मौत के मामले को लेकर बच्चों के परिजनों ने निजी अस्पताल के बाहर इलाज में कोताही बरतने के मामले को लेकर रोष प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चों के इलाज में डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरतने के कारण उनके बच्चों की मौत हो गई है। अगर डॉक्टर्स में रहते उनके बच्चों को आगे रेफर कर देते तो शायद उनका बच्चा बच सकता था। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज करने का भी आरोप लगाया। वहीं एक और पीड़ित परिवार द्वारा डॉक्टर पर उनके बच्चे की मौत के बाद रेफर किए जाने का आरोप लगाया गया, जबकि पीजीआई ने जाते ही बता दिया था कि आपके बच्चे की मौत 6 घंटे पहले हो चुकी है। परिवार का आरोप है कि बच्चे की मौत हो जाने के बाद भी उसे रेफर किए जाना खुद बहुत सारे सवाल खड़े करता है। मृतक बच्चों के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हालत खराब होते देख मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन पुलिस को इस मामले के संबंध में कोई भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है। वहीं इस पूरे मामले पर निजी अस्पताल के डॉक्टर ने उन पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और इलाज में कोई भी कोताही बरतने की बात से सिरे से खारिज किया है। डॉक्टर की माने तो दोनों मामलों में बच्चों की हालत नाजुक थी, जिसकी पूरी जानकारी बच्चों के परिवारों को पहले ही दी जा चुकी थी। ऐसे में उन पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। सोलन के धर्मपुर में दो ट्रकों की भीषण टक्कर हुई, जिसमें एक ट्रक टक्कर के बाद सड़क से नीचे जा रहे रेलवे लाइन पर गिर गया, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों का समय भी बाधित रहा। इस घटना में दोनों ट्रक चालकों और उसमें बैठे अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से कुछ घायलों को सोलन पीजीआई रेफर किया गया है। हैरानी वाली बात तो ये है कि जहां ये घटना घटी है वहां 4 लाइन है, लेकिन अनियंत्रित ट्रक बेहद तेज रफ्तार में था। वह अपनी लाइन को लांघ कर किन्नौर जा रहे ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक सीधा नीचे गुजर रही रेलवे लाइन पर जा गिरा। पुलिस ने इस घटना पर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि एक ट्रक जो हरियाणा से किन्नौर मिट्टी का तेल लेकर जा रहा था, जब वह धर्मपुर से आगे निकला तो सामने से आ रही ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वह खाई में गिर गया। पुलिस ने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का सोलन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल, मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मंत्री राजीव सैजल, सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। जगत प्रकाश नड्डा के अभिनंदन कार्यक्रम में उन्हें तलवार भेंट की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जहां एक और जोश भरा, वहीं प्रदेश की जयराम सरकार की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि छोटे से प्रदेश हिमाचल से संबंध रखते हैं, जहां उनका परिवार राजनीति को नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह केवल भाजपा में ही संभव है, क्योंकि यहां केवल कार्यकर्ता की मेहनत, लगन और समर्पण का आधार बनाकर जिम्मेवारी सौंपी जाती है। उन्होंने कहा कि जहां आज भाजपा खड़ी है, वहां से उसे और मजबूती से आगे ले जाना उनका लक्ष्य है, जिसमें वे कभी किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देंगे। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र और हिमाचल दोनों जगह भाजपा की सरकार है। यही वजह है कि इस स्थिति को डबल इंजन की सरकार कहा जा सकता है, जिसमें विकास की रफ्तार बेहद ज्यादा होती है। इसलिए इस रफ्तार को कायम रखने की जरूरत है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री का साथ देना चाहिए, ताकि हिमाचल विकास के नए आयाम छू सके। उन्होंने कांग्रेस और विरोधी पार्टियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सभी दल वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, समुदायवाद से लिपत हैं, लेकिन भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका आधार विचारधारा है,